जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का बहुत ही बढ़िया वीडियो है, फनी ट्रिक आपको लेकर के आए हैं और ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। पूरा वीडियो आपको देखना है और दोस्तों जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कृत रचनाएं हैं उनको आज हम पढ़ने वाले। इससे पहले मैंने आपको 20 रचनाओं का एक पार्ट दिया था, फर्स्ट ए सेकेंड पार्ट है और इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें आपकी पूरी की पूरी साहित्य अकादमी की जो रचनाएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जिन्होंने इसके पहले के वीडियो ट्रिक की वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें और रोज सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होती है फनी ट्रिक हिंदी साहित्य। ठीक है, और जो भी साथी अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 इस नंबर से आपको SMS करना है, मैसेज करना है और आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। जो भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट PGT टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आज को आपको बताना है तेरी मेरी उसकी बात की रचनाकार कौन है। बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। तेरी मेरी उसकी बात है ना, अपन बोलते हैं ना कि तेरी मेरी उसकी बात किसी को नहीं बताना। क्या बोलते हैं अपन, तेरी मेरी उसकी बात किसी को नहीं बताना। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अपने एक ग्रुप हैं, ग्रुप एडमिन है, यस करके है, यस नाम है उनका, और तेरी मेरी उसकी बात किसको नहीं बताना, यस को नहीं बताना, यस को। ठीक है, याद रखेंगे। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, हमेशा आपकी मदद करते हैं PDF और हर एक चीज़ में, यस। तो तेरी मेरी उसकी बात किसको नहीं बताना, यस को नहीं बताना, मतलब इसकी रचनाकार कौन होंगे, यशपाल। ठीक है, यशपाल यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला 1976 में। 1976 में इस रचना के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो याद रख लेना तेरी मेरी उसकी बात यश को नहीं बताना और 1976 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कब तक नहीं बताना, 76 साल तक नहीं बताना। ठीक है, तो 1976 आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी। अगला बताना है दोस्तों, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं की रचनाकार कौन है। थोड़ी सी इमेज दी है, अगर आप समझ सको कुछ तो बता दोगे। चार विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि जब शेर और हिरन क्या करते हैं, साथ साथ दौड़ते हैं एक दूसरे को, मतलब जो शेर है वो हिरन को पकड़ता है और हिरन कई बार आपने देखा होगा कि क्या करती है, निकल जाती है और शेर चूक जाता है ना। लेकिन शेर देखता है आजू बाजू, बोले अभी चूका नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ, अभी चूका भी नहीं हूँ। तो शेर बोलता है चूका भी नहीं हूँ, तो इस जो रचना है वो किसकी हो जाएगी, शमशेर बहादुर जी की। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है, शमशेर बहादुर साहब को। और ये क्या करते हैं, हिरन और शेर साथ साथ दौड़ते हैं, साथ साथ दौड़ते हैं। तो 1977 में इसे इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साथ साथ से याद रख लेना है ना, और शेर क्या बोल रहा है कि चूका भी नहीं हूँ, अभी दूसरा हिरन देख लेंगे। ठीक है, तो शमशेर बहादुर यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना है दोस्तों, उतना बस सूरज हूँ की रचनाकार कौन है, उतना बस सूरज हूँ। चार विकल्प हैं, चार में से आपको उत्तर बताना है और आंसर आपका क्या हो जाएगा, उतना बस सूरज हूँ। तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो उभरता हुआ सितारा होता है, जो भारत का भूषण होता है, वो हम बोलते हैं कि आप तो हमारे भारत के क्या हो, सूर्य हो, सूर्य पुत्र हो। तो उतना बस सूरज हूँ क्योंकि आप क्या हो, भारत भूषण हो, भारत भूषण। तो ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, इसको ऐसे याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, उतना वह सूरज हूँ, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, और इसे 1978 में दोस्तों, 1978 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो याद रख लेना, उतना बस सूरज हूँ, भारत भूषण अग्रवाल। अगला है, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है। अब दोस्तों एक चीज़ बताना, मैं अगर आपसे बोलूँ कि आज तो आप लोग सुनते नहीं हो मुझे, जब मैं धूल में मिल जाऊंगा तो कल सुनना मुझे, काय में मिल जाऊंगा, धूल में मिल जाऊंगा तो कल सुनना मुझे, तो इसके जो लेखक होंगे वो कौन होंगे, कौन होंगे, कल सुनना मुझे जब धूल में मिल जाऊंगा, तो आपका उत्तर होगा धूमिल।
है ना, धू मिल, कल सुनना मुझे, धू मिल की रचना है ना। और इसे कब मिला, 1979 में दोस्तों, 1979 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा, कल सुनना मुझे जब धूल में मिल जाऊंगा, तो धूमिल, ठीक है, धूमिल यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों जिंदगी नामा जिंदा रुख, कई बार पूछी गई ये रचना, और आपको पता है दोस्तों कि हम जब हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो मीराबाई को जरूर पढ़ते हैं, मीराबाई को पढ़ते हैं, है ना। और मीराबाई को जब हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी कृष्ण के नाम कर दी। किसके नाम कर दी, कृष्ण के नाम कर दी। जिंदगी नामा जो रचना होगी वो किसकी होगी, जिंदगी नाम कर दी किसके, कृष्ण के, तो कृष्णा सोपती, है ना। जिंदगी नामा जिंदा रुख ये कृष्णा सोपती की है, क्योंकि जिंदगी नाम कर दी साहब, है ना, कृष्ण के, तो कृष्णा सोपती। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। और 1980 में दोस्तों, 1980 में क्या मिला, क्या मिला, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए, ठीक है, याद रख लेना। मैं कभी भी पूछूं जिंदगी नामा के रचनाकार कौन है, आप बता दोगे सर जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के, ठीक है, तो कृष्णा सोपती, है ना। अगला बताना ताप के ताए हुए दिन। दोस्तों दिन बहुत सारे आते हैं, सुख के दिन आते हैं, दुख के आते हैं, वैसे ही ताप के ताए हुए दिन आए हैं। और आप ताप के ताए हुए दिन कैसे देख रहे हो, अपने लोचन से देख रहे हो। यहाँ पर देखो ये लोचन है ना, और त्रिलोचन यानी कि जिसकी तीन आंखें हो, है ना, वो त्रिलोचन। और ताप के ताए हुए दिन हमने कैसे देखे, लोचन से देखे, तो त्रिलोचन, है ना, त्रिलोचन। अब मैं कभी भी पूछूंगा कि ताप के ताए हुए दिन ये रचना किसकी है, आप बता देना कि सर ताप के ताए हुए दिन आए तो जरूर थे लेकिन हमने लोचन से देखे थे, त्रिलोचन से देखे थे, ठीक है, तो त्रिलोचन यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखें विकलांग श्रद्धा का दौर के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं दोस्तों विकलांग श्रद्धा का दौर। श्रद्धा आपने देखी होगी दोस्तों, श्रद्धा अपन बोलते हैं यार, पूर्ण श्रद्धा से आप अगर काम करोगे तो आपका काम सफल होगा, लेकिन लोगों की आजकल की जो श्रद्धा है वो कैसी हो गई है, विकलांग हो गई है। कैसी हो गई श्रद्धा, विकलांग हो गई है। और इसके बारे में हरि यानी कि भगवान शंकर भी सोचते हैं कि लोगों की श्रद्धा विकलांग हो गई है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर है ये। हरि मतलब भगवान और शंकर मतलब शंकर जी, तो हरि शंकर परसाई, है ना, व्यंगकार हैं दोस्तों, हरि शंकर परसाई, ठीक है। हरि के प्रति शंकर के प्रति लोगों की श्रद्धा विकलांग होती जा रही है, इसलिए बहुत सारे क्या है संकट आ रहे हैं। श्रद्धा बना के रखो, श्रद्धा को क्या नहीं करना, विकलांग नहीं करना, तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरि शंकर परसाई, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और दोस्तों इसे 1982 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1982 में, और ये ताप के ताए हुए दिन के लिए मिला 1981 में, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ताप के ताए हुए दिन लोचन से देखे और 81 जो है बार देखे, है ना, और 1981 इसका रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई व्यंगकार हैं, 1982 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। अब दोस्तों खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, अब ऐसा नहीं लग रहा कि खूंटियों, अगर खूंटी होती तो एक व्यक्ति, और खूंटियों पर यानी कि बहुत सारे लोग खूंटियों पर टंगे हैं। अब बहुत सारे लोग टंगे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे कि यार कितने लोग टंगे हैं ऐसे खूंटियों पर। तो खूंटियों पर टंगे लोगों का क्या करना है, सर्वे करना है। तो इसके लेखक कौन होंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कौन होंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब मैं कभी भी आपसे पूछूंगा कि खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है, तो आप बोलोगे सीधा सीधा कि सर खूंटियों पर लोग टंगे हैं तो इनका सर्वे करना है, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और इसे 1983 में, 83 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और आपने सर्वे किया तो कितने लोग टंगे थे, 83 लोग टंगे थे, कितने, 83। तो 1983 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया, खूंटियों पर टंगे लोग, है ना। अगला है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं किसे, पहले बोलते थे रघुवीर सहाय करना, राम सहाय करना, आज तो लोग भूल गए हैं रघुवीर को, है ना, लोग भूल गए हैं किसको, रघुवीर को। पहले तो बोलते थे रघुवीर सहाय, मुंह से आवाज निकली रघुवीर सहाय करना, लोग भूल गए हैं यानी कि कैसे, रघुवीर। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है ना, वो आपने सुना होगा दोस्तों, क्या होगा कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई,
और सुख में सुमरण सब करे तो दुख काहे को हो। इसलिए लोग भूल गए हैं, है ना, क्योंकि लोगों के पास सुख आ गया है। मत भूलो रघुवीर को और यही सहाय करेंगे। तो लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय की रचना है, बहुत बढ़िया है, पूछी जाती है और 1984 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जितनी भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं हैं, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, ये सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, है ना, क्योंकि ये रचनाएं अधिकांश पूछी जाती हैं। तो लोग भूल गए हैं कैसे, रघुवीर सहाय। ठीक है, कब्बे और काला पानी की रचनाकार कौन है दोस्तों, कब्बे और काला पानी। आपने सुना होगा दोस्तों, आज़ादी के पूर्व काले पानी की सजा होती थी। काले पानी की सजा यानी कि अगर ये काले पानी की सजा हो गई अगर व्यक्ति को, तो वो वापस नहीं आ पाता था कभी, काले पानी की सजा, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप आपने देखा होगा, वहाँ पर इसको समुद्र के उस पार भेज दिया जाता था और वहाँ से वापस नहीं आता था कभी व्यक्ति। और कब्बे और काला पानी, यहाँ पर आप देखो समुद्र में एक साइड काला पानी है और एक साइड कैसा है, निर्मल पानी है। तो हमें कैसा पानी पीना है, काला पानी नहीं पीना, हमें निर्मल पानी पीना है, कैसा, निर्मल। तो कब्बे और काला पानी के रचनाकार कौन होंगे, निर्मल वर्मा। बोले सर मुझे काला पानी नहीं पीना, मुझे तो निर्मल पीना है। तो काला पानी और निर्मल वर्मा, है ना, ये काला पानी इसी का संबंध किससे होगा, निर्मल पानी से। तो निर्मल वर्मा इसके रचनाकार होंगे और 1985 में इसे क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मैं कभी भी अब पूछूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, मैं बोलूँगा कब्बे और काला पानी, तो आप बता दोगे कि काला पानी नहीं सर, मुझे निर्मल पानी पीना है, तो निर्मल वर्मा। ठीक है, अगला है अपूर्वा के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये याद रखना है, बहुत ही बढ़िया रचना है अपूर्वा। और अपूर्वा दोस्तों ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, और आपको पता होगा कि पूर्व में केदारनाथ में एक बहुत भयंकर क्या आई थी, बाढ़ आई थी तो केदारनाथ में पूर्व में आई थी। तो अपूर्वा ये केदारनाथ अग्रवाल की है और दोस्तों 1986 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1986 में अपूर्वा के लिए। ठीक है, और केदारनाथ अग्रवाल इसके रचनाकार हैं, इन्हें कैन का कवि भी कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल जी को। अगला है दोस्तों मगध के रचनाकार कौन है, मगध। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो मगध है, मगध के जो राजकुमार थे वो क्या करते थे, मगध के आपने क्या पढ़ा था, मगध एक साम्राज्य था, है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य था मगध। और मगध यहाँ पर रचना आई है, तो मगध के जो राजा होते थे दोस्तों, जब किसी को सजा देते थे तो वो क्या करते थे, कान पकड़ते थे, क्या पकड़ते, कान पकड़ के सजा देते थे। तो श्रीकांत आपका बिल्कुल सही होगा, श्रीकांत यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, श्रीकांत आपका सही होगा, श्रीकांत। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 1987 इसका रचनाकाल है, क्या है, 1987। ठीक है, रचनाकाल नहीं मतलब इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मगध के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा और 1987 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, अगला है दोस्तों अरंड के रचनाकार कौन है, अरंड। अरंड मतलब आपको पता है क्या होता है, अरंड मतलब होता है वन, और वन में कौन गए थे, अयोध्या के नरेश श्री राम गए थे वन में कि नहीं गए, 14 साल का वनवास हुआ और कहाँ गए थे, अरंड में गए थे, वन में गए थे, कौन गए थे, नरेश। तो अरंड के रचनाकार कौन होंगे, नरेश मेहता, है ना, ऐसे कॉमन सेंस लगाना है और कुछ भी नहीं है, ये ना कोई ट्रेक है ना कुछ, सिर्फ अरंड में कौन गए थे, तो बोले अयोध्या के नरेश गए थे, है ना, तो नरेश मेहता। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों 1988 में इसे क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अरंड के लिए। ठीक है, नरेश मेहता जी की बहुत ही बढ़िया रचना है, याद रखना। अकाल में सारस के रचनाकार कौन है दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज याद रखनी है, एक है केदारनाथ अग्रवाल और एक है केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेकिन जो अकाल में सारस है ये केदारनाथ सिंह की रचना है, केदारनाथ सिंह, है ना, और इसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अकाल में सारस कहाँ जा रहे थे, केदारनाथ जा रहे थे, अकाल में सारस, ये सारस हैं दोस्तों, सारस, है ना, और सारस आपने देखे होंगे, और ये कहाँ जा रहे थे अकाल में, केदारनाथ जा रहे थे, केदारनाथ। तो केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस, और 1989 में दोस्तों इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 89। अगला है
नीला चांद के रचनाकार कौन है दोस्तों? नीला चांद। और दोस्तों आपने देखा होगा शंकर जी को, आपने देखा है इनकी मूर्ति को, आपने देखा है इनकी सिर पर यहाँ पर एक चांद का वो रहता है, चांद का चित्र बना रहता है इस प्रकार से। तो नीला चांद यहाँ पर देखो, तस्वीर में देखो शंकर जी की, जरा प्रणाम कर दो सभी लोग, है ना। और ये नीला चांद है किसके सिर पर है? शिव जी के। तो ये नीला चांद रचना किसकी होगी? किसकी होगी? शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, अब किसी और की तो नहीं होगी? बोले सर नहीं होगी। अब जब नीला चांद आपने दिखा ही दिया है, ये नीला चांद तो कभी नहीं भूलेंगे शिव प्रसाद सिंह। और इसे मिला 1990 में क्या मिल गया दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं अगर किसी से बोलूँ कि मैं वक्त के हूँ सामने, तो वो बोलेगा यार वक्त के सामने क्यों खड़ा है, गिर जा। क्या कर? गिर जा। तो मैं वक्त के हूँ सामने क्यों खड़ा है, गिर जा, यानी कि गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर इसके रचनाकार हो जाएंगे। अब वक्त के सामने खड़े नहीं होना है, गिर जाना है। ठीक है, तो गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर, और 1991। ठीक है, 1991 में दोस्तों इसे क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1991। और 90 में इसे मिला था आपकी नीला चांद के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता है, नीला चांद 90 में इसे मिला, 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और ढाई घर के रचनाकार कौन है दोस्तों? अब देखो दोस्तों एक चीज याद रखना कि हमने यहां पर पढ़ा कि मैं वक्त के हूं सामने गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, लेकिन ढाई घर, अब यहां पर कॉमन सेंस लगाना, ढाई घर हो कैसे गया? तीन घर हुए हो, पहले होंगे तीन घर, तीन घर में से आधा घर क्या हो गया? गिर गया, गिर गया, बचे कितने? ढाई घर। तो ढाई घर में से आधा, तीन में से आधा गिरा, क्या गिरा? घर गिरा। तो कौन होंगे? गिरा तो गिरिराज किशोर, है ना, गिरिराज किशोर। बोले आधा घर गिर गया है, गिर गया है तो गिरिराज किशोर। ठीक है, बचे कितने घर? ढाई घर थे, कितने? तीन घर थे इस प्रकार से, और यहाँ से आधा घर गिर गया तो बचे ढाई। बोले सर ढाई घर, आधा कहाँ गया? बोले गिर गए, तो गिरिराज किशोर, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ढाई घर के रचनाकार गिरिराज किशोर। और 1992 में इसे क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। बहुत ही बढ़िया, कई बार पूछी गई है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। आप तो वीडियो देखकर भूल जाना वीडियो को, जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे और क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये ट्रिक आपको याद आ ही जाएगी। आपको कोई कोड याद नहीं करवा रहा मैं, सिर्फ आप प्रश्न को देखोगे और उत्तर आप 101% सही लगा के आए हुए। ठीक है, ढाई घर के रचनाकार गिरिराज किशोर हैं। अर्धनारीश्वर की रचनाकार बताना है, अर्धनारीश्वर दोस्तों, अर्धनारीश्वर, ये आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें आधे गुण तो होते हैं नारी के और आधे होते हैं पुरुष के, है ना। अब बोले सर बोले यार आधे गुण आप में नारी के आधे पुरुष के हैं, ये कैसा हुआ? अरे बोले अब विष्णु जी हैं सृष्टि के रचयिता, जैसा बनाया भगवान ने वैसा है, है ना। तो किसने बनाया सृष्टि को? विष्णु जी ने। अब भगवान ने जैसा बनाया यानी कि अर्धनारीश्वर बनाया, तो अर्धनारीश्वर हैं यानी कि विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी धारणाएं हैं दोस्तों इस सृष्टि के बारे में, है ना, बहुत सारी हैं। पृथ्वी की रचना कैसे हुई, धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, सारी मान्यताएं अलग अलग हैं। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ याद करने का ये माध्यम है ना, और याद अपन करते रहते हैं। कहीं नहीं बही की रचनाकार कौन है दोस्तों? अब ये रचना है कहीं नहीं बही। अब बोले सर ऐसे कैसे याद होगी? ये होगी कैसे याद होगी? चार विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे। कहीं नहीं बही, जब सीता जी का हरण हो गया दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि हमें कहीं नहीं, हमें वहीं बैठना है, कहाँ? अशोक के वृक्ष के नीचे। कहीं नहीं वहीं, तो कहीं नहीं वहीं के रचनाकार कौन होंगे? अशोक वाजपेयी। कौन होंगे? अशोक वाजपेयी, क्योंकि सीता जी ने कहा कि हमें कहीं नहीं वहीं बैठना है। जो शोक को हरता है वो क्या है? अशोक वृक्ष, और अशोक के नीचे बैठना है हमें, कहीं नहीं वहीं, यानी कि अशोक के वृक्ष के। तो अशोक वाजपेयी इसके रचनाकार होंगे, और 1994 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत ही बढ़िया रचना है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। बोले कहीं नहीं वहीं, कहाँ? अशोक के वृक्ष के नीचे। ये यहाँ पर देखो चित्र में, जरा ये हनुमान जी आए हैं
और सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी। बोले हमें कहीं नहीं जाना, हम तो वहीं जाना अशोक के वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना, कोई दूसरा नहीं कि रचनाकार कौन होंगे, कोई दूसरा नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कैसा होता है, बोले कोई दूसरा नहीं, हमें तो कौन चाहिए, कुंवर चाहिए, कुंवर, है ना। कुंवर किसको बोलते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, कुंवर किसको बोलते हैं, बोलते होंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुंवर चाहिए। क्या चाहिए, कुंवर। तो कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए, कुंवर आ नंबर। आप लोग अपने अपने हिसाब से याद कर लेना। और 1995 में इस रचना के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। और कितने साल का कुंवर चाहिए, 95 साल का, कितने साल का, 95। ठीक है, तो 95 याद रख लेना, 1995, कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए, 1995 में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। मुझे चांद चाहिए, लो अब कुंवर चाहिए, अब चांद चाहिए, तो मुझे चांद चाहिए दोस्तों। अब चांद अगर आपको चाहिए है तो ऐसा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई, जब अपन ऊपर चांद आकाश में है, बोले इंद्र भी रहते वहीं पर, इंद्र से क्या करनी पड़ेगी अपन को, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन, बोले मुझे चांद चाहिए। अब चाहिए तो ठीक है, और इंद्र को क्या कहते हैं, सुरेंद्र भी कहते हैं, इंद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों सुरेंद्र, क्या होता है, सुरेंद्र, है ना। तो अगर चांद चाहिए तो इंद्र की परमिशन लेना है, सुरेंद्र की परमिशन लेना है, तो सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है, कभी भी याद रख लेना, बहुत अच्छी रचना है मुझे चांद चाहिए। और इसके लिए आपको सुरेंद्र की परमिशन लेनी पड़ेगी, इंद्र की परमिशन लेनी पड़ेगी, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक रचना, एक चैलेंज प्रश्न आपको दिया जाता है कि मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध। अब आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि मुक्तिबोध तो सर कवि का नाम है, लेकिन एक रचना भी है। आपने तुलसीदास जी को पढ़ा है, तुलसीदास कवि का नाम है लेकिन एक रचना भी है तुलसीदास। अब याद रख लेना, तुलसीदास और मुक्तिबोध अधिकांश एग्जामों में पूछी गई, क्योंकि लोग समझते हैं कि तुलसीदास तो कवि का नाम है इसलिए पूछी जाती है, मुक्तिबोध तो कवि का नाम है इसलिए पूछी जाती है, इसलिए तुलसीदास और मुक्तिबोध रचना याद रख लेना। तुलसीदास में आपको बता दे रहा हूँ कि तुलसीदास जो रचना है वो निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, लेकिन एक जो चैलेंज प्रश्न है कि मुक्तिबोध किसकी रचना है, तो वो आपको बताना हो, एक मैं बताता हूँ एक आप बता देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तालमेल बना रहेगा हमारे और आपके बीच। इसी प्रकार से सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी वो कमेंट में आपको लिखना है। और यहाँ पर कुंवर नारायण, विष्णु प्रभाकर, लीलाधर जगूड़ी और जैनेन्द्र कुमार, ये चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से आप किसके बारे में जानते हो, चारों के बारे में जानते हो, तो चारों के बारे में कमेंट में आपको जरूर लिखना है। मैं सारे के सारे कमेंट देखता हूँ, कौन कितना अच्छा लगता है, क्या लगता है, कितनी आपके अंदर जानकारी है वो भी देखता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर अवश्य करें, और चैलेंज प्रश्न सभी को स्वीकार करना है। जितने लोग लाइव नहीं देख पाते हैं वो क्या करें, वो बाद में देखें, अपनी प्रेजेंटेशन लगाएं कमेंट के माध्यम से कि सर मैंने वीडियो देखा है और ये मेरा चैलेंज प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए नंबर है 9098609291। इस नंबर पर आपको SMS करना है, आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की। ठीक है, और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर तो आपको दे ही दिया है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। और किसी किसी की समस्या आती है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, आप क्या करते हो, बेल आइकन को दबाते हो लेकिन ऑल पर क्लिक नहीं करते, ऑल पर क्लिक नहीं करते, जिससे ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। तो बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।